So hello friends, today session that I am going to start that revision series for GATE examination as well as ESE examinations. And the subject that today we are starting with the soil mechanics. Each day, like it is a type of blog also, each day I will cover one subject or two subject. Okay, so I will start from soil mechanics. Maybe 2 days I will take to cover soil mechanics. After consecutively one day, whole subject I will complete. Here in this session I will try to memorize all the formula of for that is important for your GATE examinations or your ESE examinations purposes, right? So without wasting our time, let's start our series. So here the first topic that in soil mechanics is our properties. Properties of soil. From properties of soil we are going to start. Okay, so let's see. So see, in properties of soil, there are the basic formula that we all have to learn. So that the formula that I'm very fastly I'm writing down all the formula. After that I will come to the concepts also, like further the further topic where the in this topic properties of soil formula is there and basic concept is there, I will discuss that. And further, wherever the more concept if required, I will discuss that also. So it will be very, very, very useful session for all of you all who want to memorize the formula. So let's start. So we will start like the formula, there is a water content. The formula of water content, I'm not writing the whole name because the session will be very longer. So I'm starting in shortcut only. बिकॉज रिविजन है तो आप लोगों को बेसिक आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, राइट? हमको नहीं लगता कोई बिगनर्स होगा यहाँ पे, ये होगा भी उसको भी हेल्पफुल होगा, बट आई होप सो दैट आप लोग पढ़े होंगे. तो आप लोग को रिविजन में करवाना चाह रहा हूँ शॉर्ट में, और डेली 12 to 14 सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा. सो लेट स्टार्ट. सो सी, वॉटर कंटेंट वेरी सिंपल, वेट ऑफ वॉटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इन टू 100%. आफ्टर दैट देर इज द रेंज ऑल्सो, आई एम डिस्कसिंग ये रेंज ऑल्सो. वाटर कंटेंट ये 100% या 100% से ज्यादा हो सकता है, राइट? आफ्टर दैट वी विल सी वॉइड रेशियो. वॉइड रेशियो इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? एंड इट्स रेंज इज इट इज ग्रेटर देन जीरो. ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वॉइड ही पूरा जीरो हो गया, मतलब वॉइड है ही नहीं, सिर्फ सॉइल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. स्टैटिकली ये सही नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेबल पैरामीटर, इसीलिए जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा हो सकता है. ओके, सो नाउ इट इज पोरोसिटी. द पोरोसिटी फॉर्मूला इज वही, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये हम लोग पढ़ते हैं इसमें. इसका भी रेंज मैं लिख देता हूं, इट इज 0 to 100. और अगर किसी को समझना भी हो तो इसमें पुट करके देख सकते हो, जीरो पॉसिबल नहीं है, वॉइड पूरा वॉइड. पहले तो समझ लो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है. हम लोग का होता है सॉलिड, हम लोग का होता है वॉटर, हम लोग का होता है एयर. तो सिर्फ सॉलिड हो, एयर ना हो और वाटर दोनों ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जीरो भी नहीं हो सकता है, 100% भी नहीं हो सकता है. अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही है, सॉइल है ही नहीं, तो हम लोग स्टडी किसका कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है. चलो, और इसी में बता देता हूं, अगर वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो स्टेबल पैरामीटर है, वो हम लोग का वॉइड रेशियो है, बिकॉज सॉलिड इज अ स्टेबल पैरामीटर. टोटल वॉल्यूम हमारा स्टेबल पैरामीटर नहीं है, सॉलिड ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है, इसीलिए हम लोग सिग्निफिकेंस ई का ज्यादा होता है एन से. ओके, सो नाउ देयर इज अ डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कितना पानी है वॉइड में, कितना पानी है वॉइड में. और एक और चीज हम लोग इसके साथ हम लोग डील करते हैं, ये यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं. और इसका अगर रेंज भी समझना हो तो इसका रेंज भी समझ सकते हो, ये होता है जीरो भी होगा, जीरो से लेके 100% तक. ओके, सो फिफ्थ फॉर्मूला, एयर कंटेंट. एयर कंटेंट जिसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, एसी. तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, एयर कितना है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, दैट्स इट. ठीक है, और यहीं पे अगर एक चीज और मैं लिख दूं, इसका
कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग। एस प्लस ए सी का जो होता है वो वन होता है, चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, इजी है। चलो यहां तक हम लोग समझ लिए। ये सारा समझो, अगर सॉइल का सोल है तो इस फॉर्मूला को सोल ऑफ सॉइल भी बोल सकते हो, कि फॉर्मूला का पूरा सॉइल का ये सोल है, हार्ट है, तो इसको याद होना चाहिए अच्छे से समझना पढ़ना। अब देखो एक और होता है परसेंटेज एयर वॉइड, या परसेंटेज क्या होता है एयर वॉइड, चलो नाम नहीं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधा इसको नोटेशन से लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ एन ए। ये क्या होता है, इट इज दैट एयर कितना है टोटल वॉइड में, टोटल वॉइड में एयर कितना है, राइट right? तो ये होता है ये। अब इसको अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और स्टडी करते हैं यहीं पे। ओके तो यहीं पे हम लोग एक चीज और स्टडी करेंगे। देखो यूनिट वेट्स का कुछ चीजें, देखो यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूला है जो मैं डील करूंगा आगे, सोल ऑफ सॉइल में इतना ही नहीं है, इसमें यूनिट वेट वगैरह का भी फॉर्मूला है और उसका भी कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आगे डील करूंगा। अभी मैं यहाँ पे यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट पहले बता दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेट। तो देखो यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। देखो हम लोग टोटल पांच तरीके का यूनिट वेट होता है। द फर्स्ट वन इज बल्क यूनिट वेट, ये इंपॉर्टेंट काफी है, बच्चों को समझ में नहीं आती है ये चीजें, बच्चा तो बोलना गलत है, मैं खुद बहुत बड़ा नहीं हूं, बट स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मैं हर उस जगह को पकड़ूंगा जहां पे स्टूडेंट का दुख दर्द है, जहां पे वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस हर एक जगह को मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने भी उस जगह से, मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था जब मैं भी अपनी स्टार्टिंग फेज में था। तो ये मैं आप लोग के साथ, मैं खुद भी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ और आप लोग के साथ साथ, बस आप लोग का साथ की जरूरत है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अच्छे से रिवाइज करिए, पूरा चीज रिवाइज हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा पूरा रिवाइज, आपका भी हो जाएगा पूरा रिवाइज, तो हम लोग ऐसे समझेंगे। ईएसी तक का कंटेंट कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ईएसी तक में जितना आता है एक भी टॉपिक मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है बहुत मेहनत से, बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत टाइम लगा के मैंने सीखा है सब चीजों को, जो मैं आप लोगों के सामने देने वाला हूं। देखो पांच तरीके का यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट और सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। देखो क्या होता है, फर्क क्या होता है, बल्क यूनिट वेट किसको बोलते हैं, तुम कहीं पे भी साइट पे जाओ और वो निकालो, सॉइल को डिग करके निकालो, तो अगर मैं उस सॉइल का यूनिट वेट बोलूं कि वो कौन सा यूनिट वेट है, तो ये बल्क यूनिट वेट है, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम, सॉइल बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम, ये मेरा बल्क हो गया। ड्राई मतलब क्या होता है, ड्राई ये हो जाएगा कि तुम्हारा जो वाटर है वो पूरा हट गया, सिर्फ सॉलिड है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो दूसरा कलर से मैं छोटा सा मैं लिख भी देता हूं, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे गामा डी, तो सॉलिड का वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा गामा बल्क या गामा जो भी लिख लो, तो ये हो जाएगा टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। अब देखो ये गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, कोई भी बोल देगा सर सैचुरेटेड यूनिट वेट बाय टोटल वॉल्यूम, परफेक्ट परफेक्ट, सही सही है। समर्ज क्या हो जाएगा, गामा डैश से डिनोट कर लेते हैं इसको, तो ये जो होता है मेरा, ये हम लोग निकालते हैं गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी डील कर दूंगा, एक सेकंड देना बस। गामा एस मतलब क्या होगा, सॉलिड का वेट, भाई यहाँ पे याद रखना ये टोटल वॉल्यूम नहीं होगा, ये सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों हो जाते हैं कंफ्यूज, तो वहां पे स्टार मार कर दिया। देखो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, कि वो सॉइल जो ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर है, तो ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर सॉइल सबमर्ज है, तो एक डाउट आता है कि क्या सर यहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड भी है, यस अगर सबमर्ज है तो सैचुरेटेड होगा ही, मगर सैचुरेटेड और भी बहुत सारे कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे इफेक्टिव स्ट्रेस में कैपिलरी जो होता है वाटर, कैपिलरी की वजह से जो वाटर राइज होती है उसको भी हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट, उस सॉइल को भी हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलते हैं, अगर वो कैपिलरी फ्रिंज की वजह से सैचुरेटेड है तो, या कैपिलरी की वजह से सैचुरेटेड है तो उसको भी सैचुरेटेड सॉइल ही बोलेंगे, या अगर यूनिट वेट के टर्म में बात करें उस सॉइल का तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ दैट सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये फर्क है, और याद रखना सबमर्ज यूनिट में हमारा बायोन्सी
होता है ना बायोंट वेट, बायोंसी, तो लॉ बायोंसी लगता है। क्या होता है लॉ बायोंसी? कोई भी एक वेट है, जितना उसका वेट है ऊपर से एक बायोंट फोर्स एक्ट होता है, और वो फोर्स जो होता है वो बराबर होता है हमारा टोटल वेट ऑफ सॉलिड का, जो भी हमारा वेट है वो उसका बराबर होगा, राइट। तो ये हम लोग का आ जाएगा बायोंट लॉ, इसको बायोंट लॉ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक था, कोई चीज नहीं थी ऐसा बहुत ज्यादा टफ वाली, यहां तक हम लोग कर लिए डिस्कस, राइट। चलो अब एक रेंज बहुत बार पूछ लेते हैं कि रेंज क्या होता है हम लोग का सारा यूनिट वेट का। तो देखो मैं लिखवा दूं, गामा एस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद गामा सेट होता है, उसके बाद गामा बल्क होता है, उसके बाद गामा ड्राई होता है, उसके बाद गामा डैश होता है। और यहीं पे लिख दूं, जो गामा हम लोग का डैश होता है वो मेरा अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हम लोग का गामा सेट होता है। ये क्या है? एजम्पशन है, प्रैक्टिकली देखा गया। देखो इसका यूनिट वेट क्यों सबसे ज्यादा होता है, इसको मैं लिख के, चलो ये लेजर से दिखाता हूं। देखो गामा एस इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे कम है, बाकी तो टोटल वॉल्यूम है। जैसे कंपैरिजन अगर हम लोग करें, गामा एस क्या है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और गामा ड्राई मान लो क्या है, वेट ऑफ ड्राई या वेट ऑफ सॉलिड जो भी बोलो, बाय मेरा क्या है टोटल वॉल्यूम। तो ये तो कम है, इससे इसके कंपैरिजन लिए कम है, ये कम है तो ये इनवर्सली रिलेशन, ये ज्यादा होगा। चलो ये तो बेसिक आइडिया था, ये याद होनी चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होनी चाहिए। बट हाँ ऑब्वियसली गेट वगैरह एग्जाम में ये सब चीज बहुत कम उम्मीद है कि ये सब चीज पूछे, बट हाँ एसएससी वगैरह के पेपर में या स्टेट एग्जाम के पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है गामा एस आप लोग के साथ, मतलब मेरे को तो याद है बट फिर भी आप लोग को भी याद होनी चाहिए, बहुत जगह मैं भी भूलता हूँ, भूल जाता हूँ चीजें, तो उसको हमको भी याद रखना है और आप लोग को भी याद रखना है। अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है, गेट और ईएससी क्रैक करना है, अच्छा रैंक लाना है, जो मुझे भी और आप, हम दोनों को बहुत अच्छा करना है कुछ लाइफ में, तो हम दोनों को याद होनी चाहिए अच्छे से, राइट। तो मैं आप लोग को रिलैक्स करवा रहा हूँ। तो ये हो गया गामा एस इज ग्रेटर देन गामा सेट इज ग्रेटर देन गामा बल्क इज ग्रेटर देन गामा डैश इज ग्रेटर देन गामा डैश। चलो यहां तक तो हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देखो ये हम लोग का रिवीजन सीरीज है तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं सकता, बट चाहूं तो मैं बहुत 2 घंटे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बोल सकता हूं, ठीक है, बट हम लोग का कोई फायदा नहीं है उतना ज्यादा उस कॉन्टेक्स्ट में जाके। देखो इसमें हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ रहे हैं सॉइल में, हम लोग क्या रिविजन कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, इसमें 2 तरीके का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग स्टडी करते हैं। देखो एक हम लोग करते हैं ट्रू, या उसको क्या बोलते हैं, एक और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ये आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, मास या एपेरेंट, या इसको बल्क भी बोलते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो जो हम लोग को पता होनी चाहिए इसमें, जो हम लोग को एकदम फंडा हम लोग का जो क्लियर होना चाहिए वो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये सीधा गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इसका मैं पूछू, जीएम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो इसका होता है गामा या गामा डी या गामा सेट कुछ भी बाय गामा डब्ल्यू। चलो इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखो समझाता हूं इसमें क्या है, ट्रू हम लोग हमेशा याद रखना, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, बाद में कनेक्ट कर लेंगे, जब सारा फॉर्मूला सारा चीज सारा 12 सब्जेक्ट को तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो सारा सब्जेक्ट कोरिलेट हो जाएगा। ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है सॉइल में, मेरा सॉइल का सॉलिड का यूनिट वेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, या इसको ऐसे भी बोलते हैं जैसे वेट वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वेट टू द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। बोलोगे सर क्या बोल दिया, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो सेम अगर वॉल्यूम तुम कांस्टेंट रख दोगे वॉल्यूम, तो तुम्हारा जो सॉलिड का वेट होगा और बाय तुम्हारा जो वाटर का वेट होगा सेम, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये चीज, मतलब जैसे गामा एस को क्या बोलते हैं, गामा इज व्हाट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है। ये दोनों को मैं कर रहा हूं, ये सॉलिड वाला है और ये क्या है पानी वाला है, तो मैं कह रहा हूं वेट ऑफ सॉलिड बाय
वेट ऑफ वॉटर इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सेम रखो दोनों का, ये सेम अगर वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉटर इन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो ये भी एक फॉर्मूला देखा जाता है। तो कहीं अगर तुम लोगों को दिखे तो उसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये मतलब ये क्या है इस चीज को, राइट। अब इसमें कुछ और भी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में पूछ दी जाती है। और एक और चीज, मैं क्लास के जो भी अभी तक यहाँ तक हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब यहाँ तक जुड़े हुए हैं इसीलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, डेली एक एक सब्जेक्ट तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे। गेट का और ईएससी का प्रीवियस ईयर 10 साल का 10 ईयर्स का मैं सारा डिस्कस करूंगा यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग का जो भी अपकमिंग एग्जाम हम लोग का आने वाला है, उस एग्जाम आने से पहले मैं सारा प्रीवियस ईयर 10 साल का डिस्कस करूंगा, गेट का प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा, ईएससी का प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, और एकदम आसान और सिंपल भाषा में जो 100% समझ में आएगी। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जी का जो वैल्यू होता है इनऑर्गेनिक सॉइल का, वो हम लोग का 2.7 से ये वेरी करता है 2.75, बुक टू बुक ये डिफर करता है बट अप्रोक्स यही होता है। ये क्या होगा, दिस इज फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, और वही जी का वैल्यू 1.22-1.4 होता है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहां से एक और चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में आ रहा है, देखो जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है ना वो कॉम्प्रेसिबल सॉइल होता है, उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसका वेट कम होता है, जब वेट कम होता है तो फिर उसका स्पेसिफिक मतलब यूनिट वेट भी कम होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, कितना वेट है, वजन क्या है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को ले लैंग्वेज में तो वजन कितना है, भारी कितना है, वही है। तो ऑर्गेनिक सॉइल का कम होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल का ज्यादा होता है। सेकंड चीज, अब तुम लोग बोलोगे सर मास और एपेरेंट और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में था, ट्रू सॉलिड, कब अगर नॉर्मल बस अगर कोई भी एग्जाम में बस पूछ दे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही बात कर रहा है, एब्सोल्यूट और ट्रू का। अगर मास बोल रहे हैं मतलब वो गामा सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो गामा बल्क के टर्म में भी हो सकता है, और वो गामा ड्राई के टर्म में भी हो सकता है, किसी भी टर्म में ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, खत्म, इतना ही। और एक और चीज यहीं पे बता दूं, हमारा जो फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल से। अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, नंबर ऑफ वॉइड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईच वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका इक्विवेलेंट और उसका जो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसका अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी नेट निकालेंगे तो वो हम लोग का फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होके आएगा एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। देखने में लगेगा कोर्स ग्रेन का ज्यादा है बट होता है फाइन ग्रेन का ज्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इसका और भी रीजन है कि तुम्हारा जो क्ले मिनरोलॉजी और क्ले कंपोनेंट जो पाया जाता है वो तुम्हारा फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा पाया जाता है, जो मिका वगैरह बोलते हैं या तुम्हारा और भी जिसका अगर क्ले का मिनरोलॉजी तो क्योनाइट सॉइल हो गया, मोंट मोलोनाइट सॉइल हो गया, इलाइट सॉइल हो गया, जो हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे भी हमारा क्ले मिनरोलॉजी में, तो वो उसका कंपोजिशन फाइन ग्रेन का ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए बट देखो ऑब्वियस बात है एग्जाम में तुम्हारा तुमको सारा बैक चीज मतलब वो क्यों होता है ये नहीं याद होगा, ठीक है, ट्रू है, ये बात सच्चाई है। अगर तुम बहुत दिन से नहीं स्टडी कर रहे हो, इस लाइन में नहीं हो, तो तुम याद नहीं रहेगा तुमको, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, बट कम से कम वो चीजें क्यूमुलेटिव चीज याद होनी चाहिए और न्यूमेरिकल पे कमांड होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग, फिर यहाँ तक तो हम लोग स्टडी कर लिए। अब देखो इसमें भी एक चीज है, यहाँ ये तो मैंने बता ही दिया बट लिखवा भी देता हूँ, जीएम जो होता है वो जीसी से कम होता है, देख लिए उसका 1.2 टू 1.4 होता है, उसका 2.7 टू 2.9 होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ, एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी का, आईडी का रिलेटिव डेंसिटी, जो क्या होता है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है, इनटू 100% होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आईडी का मेरा ये, और ई मैक्स क्या होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो, और देखो अगर वॉइड रेशियो मैक्सिमम है तो मेरा डेंसिटी जो होगा डेंसनेस वो मेरा क्या होगा बहुत कम होगा, लूज स्टेट में होगा। ई मैक्स मतलब लूज स्टेट, ई मिनिमम मतलब डेंसिटी, क्योंकि वॉइड बहुत कम है मतलब ये डेंस सॉइल है,
ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा फॉर एसएससी वगैरह में पूछ देता है, अगर मेरा पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर क्यूबिकल है, अगर क्यूबिकल है तो मेरा जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होगा वो होगा 0.91, या अगर परसेंटेज में बोलूं तो 91%। और अगर मेरा पार्टिकल का अरेंजमेंट प्रिज मॉडल है तो मेरा जो मिनिमम होगा वॉइड रेशियो, जो मेरा मिनिमम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम 0.35, परसेंटेज में 35% बोल सकते हैं। चलो अब एक और चीज यहीं पे डिस्कस कर दूं, एक टर्म आता है, हम लोग ये तो समझ लिए तुम्हारा आईडी, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी, क्या समझ लिए, रिलेटिव डेंसिटी। बट हमेशा याद रखना जो रिलेटिव डेंसिटी इंडिकेट किसको करता है, तो ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ डेंसनेस को, ये इंडिकेट किसको करता है, आईडी जो होता है ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट डिग्री ऑफ डेंसनेस। और हमेशा याद रखना ये कोहेजन लेस सॉइल का लिए होता है। देखो अगर कोहेजन सॉइल है, कोहेजिव सॉइल है, पहले समझ लो कोहेजन कोहेजिव सबको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज है। अगर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज कोहेजन, और एक होता है एडहेजन, एफएम में भी हम लोग स्टडी करते हैं, और इसमें भी हम कैपिलरी राइज वगैरह जब आगे करेंगे उसका एचसी वगैरह का फॉर्मूला वगैरह समझेंगे तो वहां पे भी हम लोग का आता है एलेनेजन, एलेन ने बताया था, एलेनेजन पूरा नाम है साइंटिस्ट ने, उसने एक्सप्लेन किया था। तो और एक होता है एडहेजन, मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहां कोहेजन एडिशन आ गया, कोहेजन का एक और चीज होता है कोहेजन लेस, कोहेजन लेस और मतलब जैसे एग्जांपल सैंड ले लो, ठीक है, सैंड ले लो, ग्रेवल ले लो, तो उसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता, कोहेजन लेस है, अट्रैक्शन नहीं है, दूर दूर, मतलब पार्टिकल वो क्या होता है ना, अगर उसको छोड़ दोगे तो पार्टिकल दूर दूर चला जाएगा, कोहेसिव कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस में ही तो बताना है कि कितना डिग्री ऑफ डेंसनेस है, कोहेसिव उसमें तो पता है कि ज्यादा डिग्री ऑफ डेंसनेस होगा, तो इसीलिए कोहेजन लेस सॉइल इसको ज्यादा स्टडी करते हैं, बता पाते हैं, इसका रीजन भी मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक और यहीं पे हम लोग चीज समझ लेते हैं, जो हम लोग ऐसे तो हम लोग कॉम्पैक्शन जब स्टडी करेंगे तो कॉम्पैक्शन में समझेंगे ही, बट फिर भी यहीं पे पढ़ लो, एक टर्म आता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन करके, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। देखो रिलेटिव कॉम्पैक्शन भी हमारा बताता है डिग्री ऑफ डेंसनेस को ही, बट इसमें क्या होता है, ये इसमें खास क्या है पिछले वाले से, इसीलिए मैंने इसको यहां पे बताया, इंडिकेट डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल ऑफ कोहेजन एज वेल एज कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है, ये दोनों के लिए है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आरसी जो होता है वो मेरा गामा डी बाय गामा डी मैक्स, ये गामा डी और गामा कितना ड्राई यूनिट वेट है, मतलब कितना और कितना मैक्सिमम है, इसको और भी अच्छे से कॉम्पैक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये गामा डी फील्ड का होता है, ये गामा डी फील्ड का होता है, और ये थियोरेटिकल होता है जो लैब से हम लोग निकालते हैं, प्रैक्टिकल कर जो पढ़े हुए ऐसे करके, मॉइस्चर कंटेंट में हम लोग कितना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में कितना डिग्री ऑफ डेंसनेस होगा, जो ये वाला पढ़े थे ऐसे, तो ये क्या था मेरा, ये डिग्री ऑफ डेंसनेस था, और ये क्या था मेरा, ये मेरा वाटर कंटेंट था, जो मेरा ओएमसी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो खैर ये मेरी आगे की चीजें हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसमें मैं फील्ड को भी हटा रहा हूँ और इसको भी, बस इसको अभी तक इतना ही समझो, वो कैसे क्या होता है वो उस टॉपिक में आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलो यहां तक तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ लेते हैं, जो सोल ऑफ सॉइल बोला ना, सोल ऑफ सॉइल, तो सोल ऑफ सॉइल का ही चीज है, सम इंपॉर्टेंट, ये सोल ऑफ सॉइल वाले चीज से तुम लोग बहुत फैमिलियर हो गए, सॉइल का सोल है। चलो जोक्स अपार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका भी याद रखना, ठीक है, क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं,
तो देखो इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग चलो गामा डी से स्टार्ट करता हूँ मैं। गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा बल्क बाय 1 + वाटर कंटेंट। ये सब तो एकदम मतलब टिप्स पे होना चाहिए, मतलब रात में उठा के भी 4 बजे पूछ दूं तो तुम लोग को सारा का सारा बताते होना चाहिए। तो वी एस सॉलिड का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 1 + E। इसका चलो यहीं पे वाटर ऑफ सॉलिड का भी बता ही देता हूँ। वाटर ऑफ सॉलिड टोटल वाटर बाय 1 + वाटर कंटेंट। अब ये तो बेसिक है, पोरोसिटी और ये का 1 + E और E इज इक्वल टू एन बाय 1 - N, बेसिक है। सीवेज, सीवेज एनवायरमेंट में जो पढ़ते हैं सीवेज, ये वाटर कंटेंट है, याद होनी चाहिए। जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम नॉर्मली सॉइल के लिए 2.67 हम लोग नॉर्मली लेते हैं, कहीं कभी 2.7 भी ले लेते हैं, नॉर्मली 2.6 2.7 ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक और है गामा। तो गामा या गामा मतलब सिर्फ गामा लिख रहा हूँ तो समझ लेना चाहिए, गामा बल की बात कर रहा हूँ। तो जी प्लस ई एस इन टू गामा डब्ल्यू बाय 1 + E। अब देखो यहीं पे एक चीज है, मैं लिखूंगा नहीं बट मैं फिर भी समझा देता हूं यहाँ पे तुम लोग को। अगर ऐसा होता है, हम लोग जो गामा बल्क बता रहे हैं, मतलब क्या है बल्क है, मतलब क्या उसमें पानी भी है, वाटर है, ऑब्वियसली बल्क है मतलब वाटर भी है, क्योंकि देख लो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है यहाँ पे। तो अगर बल्क है तो यहाँ पे अगर पानी की जगह पे मैं बता दूं कि चलो मैं सी की बात कर रहा हूँ, वो पानी जो है सी है, सी वाटर है, तो वहां पे अगर बल्क वेट बताते हैं तो वो होता है ये, तो जी के साथ तो गामा डब्ल्यू ही लगेगा, बट ई और एस के साथ जो मेरा लगेगा ये मेरा गामा ऑफ सी लगेगा बाय 1 + ठीक है। तो ये याद रखना, सी वाला अगर सी वाटेड रहेगा तो क्या रहेगा इसका डेरिवेशन। अभी तो टाइम नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं, अगर फुल क्लास ले रहा होता सॉइल का तो ऑब्वियसली मैं इसका डिराइव भी कर देता, बट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए सी वाटर तो जी के साथ जो होगा वो हमेशा गामा डब्ल्यू होगा, बाकी जो होगा उसके साथ जो अगर सी है पानी, नॉर्मल वाटर नहीं है सी वाटर है, तो फिर वो। चलो यहां तक तो हम लोग समझ लिए। और एक और फॉर्मूला होता है गामा डी का, याद रखेंगे 1 - ये एन ए क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड, 1 - NA इंटू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 + WG 1 + WG। चलो यहां तक भी हम लोग स्टडी किए, कुछ कुछ और भी फॉर्मूला है यहीं पे बता ही देता हूँ। जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं गामा डैश समर्ज यूनिट वेट का, तो ये क्या होता है, ये होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ये कैसे आता है गामा सेट में, ये बाइंड लॉ से आता है, ठीक है, अब उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और इसका एक और फॉर्मूला जी माइनस 1 - E इंटू गामा डब्ल्यू, बहुत सिंपल है, गामा सेट का फॉर्मूला रख दो और गामा डब्ल्यू है ही उसका रखोगे तो अपने आप तुम्हारा ये फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। गामा सेट का फॉर्मूला पीछे हमने बता रखा है, क्या होगा जी प्लस ई, अगर नहीं भी बताया होगा तो लिख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जी प्लस क्या होता है, एस ई बाय 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू होता है, तो एस क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, तो जी प्लस ई बाय 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू कॉमन ले लोगे ये आंसर आ जाएगा। चलो देखो एक और फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट अगर कहीं गलती से आ जाए, ये होता है ना कहीं मिस्टेक से बाय मिस्टेकली आ गया, तो उसको भी तुम लोग अपने तरीके से याद कर सकते हो, उसको भी याद कर सकते हो। जैसे वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय गामा डब्ल्यू बाय बल्क यूनिट वेट बाय 1 + वाटर कंटेंट माइनस 1 / G। अगर कहीं दिख जाए तो टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला कहाँ था यही है, और इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, बट आई होप सो दैट उसका डेरिवेशन का भी जरूरत नहीं है, रिवीजन सीरीज है तो बार बार मैं तुम लोगों को खींच के लाता हूँ, हम लोगों को रिवाइज करना है सारा फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला ऐसा ना होना चाहिए जो हम लोग को पता ना हो और हम लोग देखे ना हो, ठीक है, सब कुछ टिप्स होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक चीज समझा दूँ, जैसे हम लोग फॉर्मूला वगैरह तो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह जरूरी भी है, मगर अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोग बेसिक सोल ऑफ सॉइल आइए, सोल ऑफ सॉइल मतलब फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि पूरा फॉर्मूला हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का पढ़ लिए, बट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से हट के एक आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी करके, उसमें क्या होता है सॉइल के बारे में और भी हम लोग ज्यादा जानते हैं। जैसे हम लोग सॉइल का आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे क्ले मिनरोलॉजी, कैसा सॉइल है, सॉइल में क्ले है, सॉइल जो बनता है वो क्ले मिनरल से बनता है, क्ले मिनरल क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग सॉइल को क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये कौन सा सॉइल है, फाइन ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है, अगर कोर्स ग्रेन है तो उसमें क्या क्या है उसका फैक्टर, कौन सा कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है तो उसमें कौन सा फाइन ग्रेन है, मतलब क्या हाई कॉम्प्रेसिबल, लो कॉम्प्रेसिबल, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल, तुम्हारा प्लास्टिसिटी चार्ट से हम लोग देख के बता पाते हैं। तो खैर अगर
जिसको पढ़ा हुआ है रिवीजन में तुम लोग आए हो तो तुम लोग अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हो, जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं आगे की चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आगे हम लोग आएगा, उस समय मैं डिस्कस कर दूंगा इस चीज को। चलो अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ। एक भी चीज मैं बिना एग्जाम पर्पस नहीं बताने वाला हूं, जो भी बता रहा हूं वो एग्जाम पर्पस है, सही इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, क्या क्या मेथड है, ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूं मैं, तो क्या क्या मेथड है चलो समझते हैं। पहला, हम लोग ओवन ड्राई मेथड करते हैं, बहुत बार तुम लोग सुने होंगे ये मेथड के बारे में, ओवन ड्राई मेथड। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, पिकनोमीटर मेथड से भी हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मेथड तो इसका बहुत सारा है, 6-7 मेथड है, इंफ्रारेड मेथड है, टॉर्सन बैलेंस मेथड है, बट मैं अभी वो सब नहीं डिस्कस करूंगा, वही डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। फालतू का टेस्ट वगैरह उतना याद रखे कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी हम लोग को याद रहेगा नहीं उतना, ठीक है, तो हम लोग उतना ही करेंगे जो हम लोग को एग्जाम में याद रहे और हमारा सवाल बने, ठीक है। रैपिड मॉइस्चर मेथड, ठीक है, इसको फील्ड मेथड भी बोल दो। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, मैं सारा देखो, ओवन ड्राई मेथड, देखो ये ओवन ड्राई मेथड जो है बहुत पॉपुलर मेथड है, ये सिंपल मेथड है और एक्यूरेट मेथड है। इसमें जो हम लोग करते क्या है, कितना हम लोग का सॉइल में कितना पानी है ये पता करना है, वाटर कंटेंट किस में, सॉइल में। तो ओवन ड्राई मतलब उसको जो ओवन ड्राई एक मशीन होता है, सबने अपने लैब में जरूर किए होंगे कॉलेज डेज में, उसमें रख दो सॉइल जाके, बल्क सॉइल जाके, थोड़ा देर 24 घंटे के लिए छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो। टेम्परेचर कितना रहता है उसका, 105 to 110, 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर रहती है, अपने आप हम लोग को पता चल जाती है कि हम लोग का वाटर कंटेंट क्या है। जो होता क्या है, मॉइस्ट माइनस ड्राई बाय ड्राई, चलो ये चीज है। अब हम लोग समझते हैं पिकनोमीटर मेथड क्या है, क्या हम लोग समझते हैं पिकनोमीटर मेथड। तो देखो पिकनोमीटर मेथड हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ये क्विक टेस्ट है, तुरंत बताता है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक बॉटल लेते हैं, 900 ml का हम लोग बॉटल लेते हैं, और हमेशा याद रखना जो पिकनोमीटर मेथड है ये हमेशा एप्लीकेबल है कोहिजन लेस सॉइल के लिए। मतलब अगर मेरा कोहिजन ले, देखो ओवन ड्राई तो दोनों के लिए, कोहिजन लेस हो या कोहिजन हो, दोनों के लिए ओवन ड्राई मेथड परफेक्ट है, मगर पिकनोमीटर मेथड हम लोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं कोहिजन लेस सॉइल के लिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को पता होता है। तो चलो ये तो टेस्ट की डिटेल हो गई, टेस्ट की डिटेल हम लोग को उतना याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ, मगर इसमें जो जरूरत है वो इसका फॉर्मूला, वाटर कंटेंट होता क्या है इसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है देखो W2-W1/W3-W4 × G-1/G ओवरऑल -1, इसको ऐसे खत्म करो, × 100%। देखो W2, अब इसको ऐसे याद कर लो, 1, 2, 3, 4, इधर से एंटी क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करो, लेजर से बताते हैं, यहां से स्टार्ट करो, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है W1, W2, W3, W4 क्या है। W1 है जो हम लोग जो सैंपल ले रहे हैं, जो बॉटल ले रहे हैं, इम्प्टी बॉटल ले रहे हैं, हमेशा इसमें याद देखना, इस टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड का, जो हम लोग सॉइल में, सॉइल क्या होता है, सॉइल बना हुआ रहता है सॉलिड का, वाटर का, एयर का, तो जो मेरा सॉलिड है वो सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता होता है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे G-1/G, ये क्या है, जी सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब समझ लेना ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग को पता रहता है पहले ही से, ठीक है। कैसे पता रहता है, इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट करके हम लोग पता कर लेते हैं, वो अलग चीज है। तो देखो तो ये W1 क्या है, देखो W1 है एम्प्टी बॉटल, एक बॉटल है बस, फ्लैक्स है, मान लो 900 ml का है तो बस एक बॉटल, खाली बॉटल। W2 क्या है, उसमें ड्राई सॉइल कर दो, उसमें ड्राई सॉइल, इसीलिए मैंने बोला ये मेथड हमेशा ये है हमारा कोहिजनलेस सॉइल के लिए, और बोलो ड्राई सॉइल के लिए, ये सुइटेबल है। क्या हम लोग बाकी सॉइल के लिए नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट सुइटेबल इसके लिए है, मतलब इसके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, तो वही याद करना है हम लोग को, जो अच्छा रिजल्ट, जो नहीं देगा उसमें दिमाग माथा नहीं मारना है। तो W2 मेरा क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल हो जाएगा, एकदम देसी लैंग्वेज में समझाते हैं। W2 क्या, एक सॉइल है खाली सैंपल, अब दूसरा क्या है, उसी खाली सैंपल में डाल दो ड्राई सॉइल, थोड़ा सा ड्राई सॉइल डाल दो।
W3 क्या है, ड्राई सॉइल तो था ही तुम्हारा, अब क्या करो उसमें, ड्राई सॉइल मतलब क्या, सिर्फ सॉलिड है, ड्राई है सॉइल मतलब सॉइल में पानी नहीं है, सॉलिड है, उसमें पानी डाल दो, मतलब एक बॉक्स है, कैसे बताऊं, ये बॉक्स है तो ये खाली है, अगर मान लो इसमें कुछ नहीं है खाली है, तो ये W1, इसमें थोड़ा सा इतना सॉइल कर दिए, ड्राई सॉइल मतलब सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड है इसमें, ड्राई सॉइल, तो ये हो गया मेरा W2, इसमें पानी डाल दो पूरा, मतलब इतना सॉइल है और बाकी जितना स्पेस है उसमें पानी डाल दो, तो ये हो गया W3। और W4 क्या, सबको याद हो गया, और W4 क्या होता है, जो सॉलिड था ना उसको हटा दो, आप उतना ही वॉल्यूम में डाल दो पानी, मतलब एक बॉक्स में पूरा पानी, ये W4 है, तो ये W1 W2 W3 W4 भी मैंने बता दिया। अब देखो ये क्या होता है, एक और होता है कैल्शियम कार्बाइड, ये हम लोग फील्ड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, हम लोग का एक रूडोमीटर करके होता है, हम लोग बस वो मशीन लेके जाते हैं, पहले से वो कैलिब्रेटेड रहता है, उसको उसमें सॉइल डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके शेक करते हैं और अपने आप उसमें एक रीडिंग देता है, और वो रीडिंग जो होता है वो कैलिब्रेटेड होता है मेरा वाटर कंटेंट के साथ लैब में, तो हम लोग को पता चल जाता है कि मेरा, और भी इसमें डिटेल जा सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिवीजन बार बार खींच के लाता हूं तुम लोगों, ये रिवीजन सीरीज है, याद रखना है चीजें। हाँ, बट बैक कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए, पता रहेगा तो और मजा आएगा, न्यूमेरिकल तुम लोग बहुत इजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि देखना मैंने बताया डेली डेली हम लोग का सब्जेक्ट डिस्कशन होगा, जैसे आज सॉइल है तो कल भी सॉइल होगा, सॉइल दो पार्ट में, क्योंकि सॉइल बड़ा है, सॉइल और इन्वायरमेंट दो पार्ट में होगा, बाकी जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा एक एक दिन में एक एक खत्म करके चलूंगा, जैसे ये मेरा खत्म होगा फिर मैं आ जाऊंगा पीवाईक्यू सेशन लेके, 10 साल का सबसे अच्छा एकदम क्वेश्चंस वगैरह 10 साल में जो भी आए हैं वो पूरा एक एक डिस्कशन करेंगे, और तुम देखना फॉर्मूला जितना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ना 60-70% उसी से सॉल्व हो जाएगा, बाकी कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैं उस समय क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा। चलो तो ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड, और इसमें याद रखना इसमें जैसे SSC JEE वगैरह में पूछ देता है, क्विक मेथड है, 5 मिनट में ये होता है, 5 से 7 मिनट में होता है, और इसमें क्या होता है, और अगर कोई ये भी पूछ दे क्या होता है इसमें, तो इसमें एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है, जैसे जो रोडोमीटर को तुम ऐसे ऐसे शेक करते हो ना, एक मशीन होता है बॉक्स ऐसे, मतलब ऐसे मशीन एक टाइप का होता है, एक 1.5 मीटर का, तो उसको शेक करते हैं, तो उसको जैसे शेक कर, मतलब उसको जैसे शेक करोगे ना तुम लोग, तो एक गैस प्रोड्यूस होगा, वो गैस हीट करता है जाके उसको, वो एसिटिलीन C2H2 गैस हीट करता है, और वो हीट करता है वही बताता है रीडिंग, डायल गज लगा रहता है रीडिंग, और वो रीडिंग कैलिब्रेटेड होता है मेरा वाटर कंटेंट के साथ। खैर ये इतना भी जानना जरूरत नहीं था, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए क्विक मेथड है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है, रिवीजन सीरीज है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट पर लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिनेशन में क्या होता है, हम लोग मेजरली जो करते हैं ये पिक्नोमीटर मेथड है, इसको नाम मतलब पिक्नोमीटर बॉटल में करते हैं, इसीलिए पिक्नोमीटर मेथड बोल दिए इसको, पिक्नोमीटर मेथड है। देखो इसमें क्या होता है, पहले इसको समझ लो, इसमें जो चीज है, इसमें जो तुम्हारा डेंसिटी बॉटल है, जैसे उसमें क्या था 900 ml का था, इसमें क्या होगा 50 ml का होगा, और अगर कोई फ्लास्क यूज करोगे, फ्लास्क मतलब कोई और ऑब्जेक्ट जो इसमें टेस्ट में जो साइंटिस्ट ने किया था, उसमें उसने स्टैंडर्ड साइज रखा था 500 ml, क्या रखा था स्टैंडर्ड साइज 500 ml। तो देखो इसका सीधा फॉर्मूला लिखता हूं और उसको समझा देता हूं, एग्जाम में उतना ही से काम बन जाएगा। देखो इसका होता है W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, या इसको वेट ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, बाय वेट ऑफ सॉलिड माइनस W3 प्लस W4। हाँ, अब देखो क्या है इसमें, जो बॉटल ले रहे हैं, मान लो पिक्नोमीटर बॉटल ले रहे हैं 50 ml का, तो वो बॉटल, और उसमें हम लोग डाल रहे हैं, चलो ऐसे ही समझाते हैं, ये है खाली बॉटल, उसके बाद इसमें हम लोग डाल रहे हैं कुछ ड्राई सॉइल, वो W2 हो गया, W1 खाली बॉटल, कुछ ड्राई सॉइल डाल दिए, W3 ड्राई सॉइल तो है ही, उसमें पानी जितना खाली एरिया है, मतलब जितना में एयर है उसमें हम लोग क्या डाल दिए, पानी, W3 हो गया, W4 वो जो सॉइल था, ड्राई सॉइल जो था उसको हटा के पानी डाल दो पूरा, तो ये बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ है, ये W4 हो गया, खत्म खत्म। अब देखो ये WS क्यों हो गया, क्योंकि देखो W2 माइनस W1 क्या था, एम्प्टी बॉटल, और W2 क्या था, ड्राई सॉइल प्लस एम्प्टी बॉटल, तो ड्राई सॉइल प्लस एम्प्टी बॉटल माइनस कर दो एम्प्टी बॉटल कैंसिल, बचेगा क्या, ड्राई सॉइल, इसीलिए WS बोला गया, खत्म।
चलो ये तो हो गया। अब देखो एक और चीज बोला जाता है इसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो हम लोग किए हैं ये हम लोग बता रहे हैं कि जनरली मतलब पानी, पानी मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि इसमें पानी है, कोई भी सॉइल है उसके अंदर पानी है। बट हम लोग अगर चाहें तो और भी डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट चीजें हैं, जैसे केरोसिन की हेल्प से भी हम लोग बता सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग केरोसिन की हेल्प से भी बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे, वो सरफेस टेंशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अगर इसके डीप में जाओगे तो इस सरफेस टेंशन की वजह से होती है, जिसमें वेटिंग एजेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एफएम में डिस्कस करते हैं ये सब चीजें, एफएम है ये सब चीजें बहुत डीप में, ठीक है। तो खैर मैं एक ऐसे ही बता दिया, अगर कभी कोई पूछ ले कहीं आ जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज कर सकते मतलब के लिए हम लोग क्या केरोसिन यूज कर सकते हैं, तो यस केरोसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ वाटर हम लोग केरोसिन भी यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर क्या और डीप में समझाइए थोड़ा सा, जब इतना डिस्कस कर ही दिए। देखो W1 था एम्प्टी वेट, W2 था एम्प्टी वेट प्लस ड्राई सॉइल, W3 क्या था तुम्हारा एम्प्टी वेट प्लस तुम्हारा ड्राई सॉइल प्लस वाटर। तो जो तुम वाटर डाले हो ना उसके जगह पे तुम केरोसिन भी डाल सकते हो, तो इससे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि केरोसिन इज वेटिंग बेटर वेटिंग एजेंट। मरकरी भी डाल सकते हो, बट मरकरी बहुत घटिया है, सबसे अच्छा केरोसिन, उसके बाद पानी, उसके बाद मरकरी। मतलब ये तीनों से तुम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो, जो पानी डाले हो ना स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए, तुमने जो W3 में पानी डाला है उसके जगह पे केरोसिन भी डाल सकते हो, मरकरी भी डाल सकते हो, खत्म, बस यही चीज था और कुछ नहीं है। चलो यहां तक तो हम लोग डिस्कशन कर लिए, अब एक और चीज डिटर्मिनेशन यहीं पे पढ़ लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू यूनिट वेट। क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू यूनिट वेट? कुछ नहीं है इसमें, इन सीटू मतलब समझ लो, इन सीटू मतलब इन साइट फील्ड पे, मतलब एट साइट या फील्ड, क्या है एट साइट या फील्ड। अब देखो इसमें भी कुछ है नहीं, दो तीन मेथड है, जैसे क्या है कोर कटर मेथड है, क्या है कोर कटर मेथड है, दूसरा क्या है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, तीसरा क्या है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, देखो इसमें क्या क्या है, कोर कटर मेथड है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कोर कटर मेथड मतलब क्या करते हैं हम लोग, फील्ड पे हम लोग को यूनिट वेट निकालना है, यूनिट वेट क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उसका डेंसिटी, कितना वेट है उसका समझ लो लेमन लैंग्वेज में। तो कोर कटर मेथड से हम लोग कैसे निकालते, पहले बात तो ये समझ लो कोर कटर मेथड हमेशा जो अप्लाई होता है वो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है, और किस सॉइल के लिए होता है कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो ये हम लोग बोले कहां गया ये, हाँ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है वो मेरा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है कोहेजनलेस सॉइल के लिए, और ये जो है ये वाटर डिस्प्लेसमेंट ये भी है कोहेसिव सॉइल के लिए। अब तुम लोग कहोगे सर ठीक है सर थोड़ा सा समझा दीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नहीं करते हैं, कोर काटते हैं, फील्ड पे गए और एक कोर काटे और इसको निकाले, अगर कोहेसिव सॉइल मतलब क्या चिपका हुआ रहेगा, मतलब उसमें कोहेजन प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें फ्रिक्शन जो, मतलब उसमें समझ लो कि बंधा हुआ है सॉइल, जैसे क्ले, क्ले कोहेसिव नेचर का होता है, सिल्ट कोहेसिव नेचर का होता है, तो वो एक बल्क में रहेगा। मगर अगर तुम कोहेसिव सॉइल लिए तो उसको जैसे काटोगे तो वो गिर जाएगा सॉइल, जैसे सैंड, सैंड को काटे कोर और उठाओगे सैंड गिर जाएगा, तो उसका निकाल कैसे पाओगे यूनिट वेट, इसीलिए कोर कटर मेथड हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, उसको निकालो वेट, उसका वेट ले लो और उसका वॉल्यूम निकाल लो, तुम्हारा पता चल जाएगा यूनिट वेट क्या है। मगर ये पता जो चलेगा ये ड्राई यूनिट वेट, ये पता चलेगा बल्क यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बट अगर तुमको ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालोगे, ये वेट बाय वन प्लस वाटर कंटेंट, पता है इसे निकल जाए, और भी डीप में जब समझ सकते हैं, बट रिविजन सीरीज है कोई मतलब नहीं है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करते हैं हम लोग एक मतलब इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं हम लोग, मतलब उसमें एक
कोर रहता है, नीचे में कोर कटा हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम लोग फील्ड पे जाते हैं और पहले हम लोग डिक करते हैं, सॉइल डिक करते हैं, उसको हटाते हैं और उसमें फिर सैंड डालते हैं। याद रखना यूनिट वेट सैंड का पता होना चाहिए, गामा ऑफ सैंड हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे हम लोग फील्ड पे आराम से पता कर सकते हैं उसका यूनिट वेट क्या है, कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पता उसका हमको पहले से समझो पता रहता है, पता कर सकते हैं, उसका भी मेथड है पता करने का, बट उसका हमको पहले से पता है, उसका हमको पता करना नहीं है। फील्ड पे जाके हम कर रहे हैं तो हमको पता करना नहीं है क्योंकि ये फील्ड टेस्ट है। तो उसमें डालो, उस जो तुम्हारा जो ओपन डिक किया उसमें तुमने कोहेजनलेस सॉइल डाला, फिर उसके बाद हम लोग उस अनुसार से वेट लेते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और हम लोग यूनिट वेट बताते हैं। इसमें भी और भी डीप में समझ सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, रिविजन सीरीज है तो हम लोग ऐसे ही याद करते चलेंगे। उसके बाद वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, हम लोग बंच ऑफ सॉइल लेते हैं ऐसे करके निकालते हैं और उसमें पैराफिन वैक्स लगा देते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं और फिर उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, उसमें फिर बाइंड प्रिंसिपल लगता है, बाइंड लॉ लगता है और वो बाइंड लॉ के मदद से हम लोग बता पाते हैं कि इसमें यूनिट वेट क्या होगा। ठीक है, इसमें भी और भी चीजें हैं इसमें पता कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह है बट वो हमारा उतना ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा गेट और ईएससी पर्पज से, हाँ बट अगर एसएससी की बात करें तो उसमें आता है। सेकेंड चीज, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में न्यूमेरिकल आता है गेट में, वो मैं न्यूमेरिकल सीरीज जब डिस्कस करूंगा तो उस न्यूमेरिकल सीरीज में मैं उस दो क्वेश्चंस को रखूंगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का भी क्वेश्चंस ले लूंगा और वाटर अभी समझाऊंगा, कोई समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर दूंगा समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम लोग पार्ट जैसे एक चीज समझ लो, एक होता है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा फिर लेक्चर। एक होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल साइज को हम लोग एनालाइज, जो सॉइल है उसका पार्टिकल है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस। ठीक है, उस पार्टिकल साइज एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, देखो हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक हम लोग कर सकते हैं सीव एनालिसिस और एक हम लोग क्या करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब देखो ये जो सीव एनालिसिस होता है ये किसके लिए होता है, कोर सॉइल के लिए, फॉर CORSE कोर सॉइल। और ये किसके लिए होता है बच्चों, स्टूडेंट माय फ्रेंड, फाइन सॉइल के लिए होता है। सबको याद करते चलो, इसका एग्जांपल क्या होता है, सैंड ग्रेवल, इसका एग्जांपल क्या होता है ग्रेवल, इसका एग्जांपल क्या होता है सिल्ट एंड क्ले। अब देखो ये जो हम लोग अभी पढ़े इसका निकालने का दो मेथड है, एक है पिपेट मेथड, PIPET में भी तुम लोग को ये ना दिख रहा हो, मेरा फोटो आ रहा हो बट मैं फिर बता दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। एक होता है पिपेट, एक होता है हाइड्रोमीटर, बट ये दोनों तुम्हारा नॉट सिलेबस ऑफ गेट बट ESE में पूछता है। तो चलो बस इतना ही था इसमें और इससे ज्यादा, हाँ इतना ही था, इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है हम लोग को, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। देखो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में एक आता है टर्म जो है इन्वायरमेंट में भी है, हाइड्रोलॉजी में भी है, इरिगेशन में भी है, हर जगह है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ और सॉइल में भी आगे है। देखो एक होता है स्टोक्स लॉ, मतलब हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी पता करना होता है, क्या पता करना होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लोग बताते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ, किसके हेल्प से बता पाते हैं स्टोक्स लॉ के, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की, कितना वेलोसिटी है। तो देखो जैसे मान लो कोई भी सॉइल है, मतलब सॉइल है टोटल, उसमें से पानी पास कर रहा है, किस वेलोसिटी से पास कर रहा है उसको भी हम लोग बता पाते हैं यही सेडिमेंटेशन एनालिसिस, मतलब पार्टिकल सेडिमेंट होता है ना, पार्टिकल सेडिमेंट होना एक जगह आना, तो इसका भी हम लोग पढ़ते हैं। इसका होता है जैसे गामा एस माइनस गामा डब्लू इंटू डी स्क्वायर बाय
18 म्यू, ठीक है। तो एक और चीज इसमें समझ सकते हो, देखो इसमें जैसे हम लोग अगर गामा एस और गामा डब्लू है, गामा डब्लू कॉमन ले ले, तो गामा डब्लू कॉमन ले लोगे तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, जी माइनस वन गामा डब्लू डी स्क्वायर, चलो इसको कैपिटल लिखा हूं, कैपिटल डी स्क्वायर बाय 18। एक ही बात है, गामा एस कॉमन ले लो, गामा डब्लू कॉमन ले लो, तो गामा डब्लू जैसे कॉमन हो तो गामा एस बाय गामा डब्लू क्या होता है, जी ट्रू और तुम्हारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया। देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें गामा जो तुम्हारा एस है वो तो सबको पता है, यूनिट वेट मेरा सॉइल का, सॉइल सॉलिड का, गामा डब्ल्यू वाटर का, डी क्या होता है, डी होता है वो जो सॉइल का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर ऑफ ग्रेन, डायमीटर ऑफ सॉइल वो होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं जी, इसमें अगर म्यू और जी, एक और टर्म आता है जी, तो ये जो जी है ये तो सबको पता है सर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कोई यूनिट नहीं है। और जो म्यू है तो म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये कौन सा विस्कोसिटी है, डायनामिक है कि काइनेमेटिक है, दिख रहा है डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है, कौन सा है, डायनामिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू, जो क्या होता है ये बाय रो, बेसिक है पता होना चाहिए। चलो अब देखो इसमें और भी चीज स्टडी कर सकते हैं, पिपेट और ये, बट वो हम लोग आगे के लिए रखते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम लोग उसको डील कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग उसको अच्छे से डील कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग को समझना है। देखो एक हम लोग पढ़ते हैं, सबको पता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, जिसको एटरबर्ग लिमिट भी हम लोग बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटरबर्ग लिमिट। देखो इसको अगर समझना हो तो कोई बहुत चीज नहीं है, पर मैं देखो एक चीज मैं अभी बता दूं तुम लोग को, कंपटीशन या जो भी चीज है उसमें जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और जो मैं अभी भी सीख रहा हूं, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चंस क्या करो, ज्यादा सॉल्व करो। मगर एक सच्चाई भी है, एक सच्चाई भी है, बोलोगे सर क्या सच्चाई, देखो बेटा क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब तुमको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आते होंगे, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली क्या बात है, तो फिर तुम सिर्फ नहीं जा सकते क्वेश्चंस पे, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर उसको, तुमको लगेगा वो टफ है, टफ कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, गलत अप्रोच है, अप्रोच जो कर रहे हैं हम लोग उस अप्रोचिंग चीज में हम लोग गलती कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना है। चलो देखो इसमें हम लोग जो एटरबर्ग लिमिट या इसमें जो हम लोग समझते हैं, स्टडी जो करते हैं, इसमें हम लोग देखो अगर मेरा तीन स्टेज होता है, ठीक है, क्या होता है, तीन स्टेज होता है, अगर इसके बाहर मेरा सॉइल है, मतलब लिक्विड लिमिट से ज्यादा पानी है, तो मतलब समझ लो कि जैसे क्या है, देखो ये क्या वाटर कंटेंट है, मतलब सॉइल में अगर इस लिमिट से ज्यादा पानी दे दिए तो उसको लिक्विड स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज से ज्यादा दे दिए तो प्लास्टिक स्टेज, इस स्टेज से ज्यादा दे दिए तो सेमी सॉलिड स्टेज, और इससे कम दे दिए तो सॉलिड स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिख देता हूं क्या क्या है स्टेज, ये है लिक्विड स्टेज, ये है प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिसिटी क्या होता है, अगर मैं पूछूं सॉइल में प्लास्टिसिटी क्या होता है तो क्या बोलोगे, डिफॉर्मेशन और क्रैक विदाउट फ्रैक्चर, मतलब क्रैक और एक टर्म क्रैक विदाउट डिफॉर्मेशन, इसको हम लोग किसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। देखो बेसिक तो मैं पूरा तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा, ये तो गारंटी है, और क्वेश्चंस तो मैं आऊंगा ही, क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे ही, क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहां पे क्या होता है, ये जो स्लोप होता है इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें तुम बोल सकते हो y2 - y1 / x2 - x1 = y2 - y1, मतलब VL माइनस VP बाय WL माइनस WP इज इक्वल टू VP माइनस VD बाय WP माइनस WS इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं ये लिख नहीं रहा हूं, बहुत बेसिक है, पता होनी चाहिए। चलो यहां तक तो कर दी, अब मैं कुछ और फॉर्मूला तुम लोगों के सामने लेके आता हूं, काफी जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रिंकेज लिमिट का। किसका फॉर्मूला, श्रिंकेज लिमिट का,
श्रिंकेज लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा होता है डब्ल्यू एस से हम लोग बताते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू वन माइनस वी वन माइनस वी डी बाय डब्ल्यू डी इंटू गामा डब्ल्यू। देखो इसमें क्या है, डब्ल्यू वन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल। ये क्या है डब्ल्यू वन, दिस इज ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल। एक सेकेंड यहां पे स्मॉल, एक सेकेंड, ये गामा डब्ल्यू लिख लो। डब्ल्यू ए, ये क्या है डब्ल्यू वन। तो देखो डब्ल्यू वन क्या हो गया, ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल। डब्ल्यू डी या वी डी, ये डब्ल्यू डी जो है, ये डब्ल्यू डी क्या हो गया ड्राई वेट ऑफ सॉइल, वी डी क्या हो गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वी वन क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम अगर ये ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल, ये ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ऐसे करके तुम श्रिंकेज, अभी इसका डेरिवेशन क्या है उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, बट हम लोग उसको भी समझ सकते हैं, बट हम लोग उसमें जाने रहे। फॉर्मूला बस याद रखना चाहिए, ये चीज याद रखेगा, और उसके टर्मिनोलॉजी और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो ये चीज हो गया ना, उससे काम चल जाएगा। देखो श्रिंकेज रेशियो आर ये क्या होता है, वेरी इजी, वी वन माइनस वी टू बाई वी डी बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू 100%। देखो श्रिंकेज रेशियो मतलब किस रेशियो में श्रिंक कर रहा है। तो मान लो कि तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है कुछ डब्ल्यू वन मॉइस्चर कंटेंट पे, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट मॉइस्चर, मान लो वाटर कंटेंट डब्ल्यू वन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू टू कुछ वाटर कंटेंट पे, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, मतलब कितना श्रिंक हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई। हमारा वॉल्यूम ड्राई, अगर वो सॉइल जो पूरा ड्राई है, तो ड्राई होने के बाद जो उसका हम लोग वॉल्यूम देखें तो वो क्या हो गया वीडी। तो भाई डब सॉइल का वॉल्यूम एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू वन, सॉइल का वॉल्यूम एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू टू बाई ड्राई यूनिट, ड्राई वॉल्यूम बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। ये जो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू है ये मेरा क्या है, ये मेरा है तुम्हारा कि कितना वाटर कंटेंट घटा वेट से। जैसे मान लो तुम्हारा कुछ उसका वाटर कंटेंट रहा होगा, मतलब इसको समझा दूं तो देखो वी वन मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल मा या सॉइल एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू वन, तो ये वो डब्ल्यू वन है, इसीलिए लिख दिया कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो, बट होनी नहीं चाहिए, सब पता होनी चाहिए। एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू टू, तो मेरे साथ सब बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट क्या हो गया, डब्ल्यू एस क्या होगा डब्ल्यू वन माइनस वी वन माइनस वी डी बाई डब्ल्यू टू इंटू गामा डब्ल्यू, श्रिंकेज रेशियो आर क्या होगा वी वन माइनस वी टू बाई वी डी बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू 100%। क्लियर है यहां तक, चलो ओके। तो अब हम लोग आते हैं इसमें, क्या चीज में आते हैं, अब हम लोग समझेंगे। यहां पे एक चीज है, यहीं पे एक और चीज बता दूं, आर का एक और फॉर्मूला होता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ये भी यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, आर का क्या होता है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट बाई गामा डब्ल्यू। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे एक और चीज कह सकते हो दैट कि तुम्हारा जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, क्या होता है सर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वो होता है आर इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ये इसका भी सवाल में जब भी लूंगा तो लूंगा, 2016-17 में आया हुआ था। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, आर इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू बाई वी बाई वी डी। चलो ये पता होनी चाहिए, ये कैसे आया कुछ नहीं है, यही कितना वॉल्यूम श्रिंक किया, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज वी वन माइनस वी टू बाई वी डी, तो ये क्या हो जाएगा बराबर आर इन टू, ये उधर चला जाएगा रिसीव उस साइड। अब देखो यहाँ पे एक सबको पता होगा आईपी का फॉर्मूला, प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी पता होना चाहिए, आईसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बाय आईपी। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा आईएल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। आईएल का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बाय आईपी। और यहीं पे मैं बता दूं आईसी प्लस आईएल का वैल्यू होता है 1, दोनों को जोड़ के देख लो 1 आ जाएगा, ठीक है। आईसी प्लस आईएल होता है 1। उसके बाद देखो एक चीज तो मैं बता दूं यहां पे, देखो लिक्विड लिमिट जो होता है वो हम लोग को पता चलता है जब हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। हम लोग कोई भी सॉइल है, कैसे ग्रैंडे अपरेटस है, जैसे दो टेस्ट होता है, होता है कैसे ग्रैंडे अपरेटस, कैसे ग्रैंडे ने किया था, और एक है कोन पेरेटेशन टेस्ट। कोन पेरेटेशन डब्ल्यू एक्स इजिकल टू डब्ल्यू एन इंटू ए बाई 25 का पावर एच, बट वो जरूरत नहीं है, वो अगर वो हम लोग फाउंडेशन में भी यूज करेंगे तो उस समय देख लेंगे, वहां पे भी है स्टैंडर्ड प्लेट लॉस टेस्ट, कोन पेरेटेशन टेस्ट, उसमें भी हम लोग देख लेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है एटरबर्ग का जो तुम्हारा कैसे ग्रैंडे टूल है, एक होता है ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टूल मशीन्स, ठीक है, एक होता है कैसे ग्रैंडे का। तो हम लोग कैसे ग्रैंडे की बात कर रहे हैं, तो कैसे ग्रैंडे में हम लोग क्या देखे थे कि तुम्हारा लिक्विड लिमिट मतलब 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट होता है, और वहां पे सियर स्ट्रेंथ का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है, प्लीज, ये पूछ देता है आजकल। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड लिमिट पे 25 नंबर ऑफ ब्लो पे होगा जहां पे सियर स्ट्रेंथ क्या होगा 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो सियर स्ट्रेंथ, बस ये वैल्यू भी याद रखना, पूछ देता है आजकल। चलो यहां तक तो हो गया। अब देखो एक और चीज यहां पे, देखो IF क्या होता है, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, वाटर कंटेंट एक का माइनस दो, मतलब कोई एक वाटर कंटेंट है, कोई मान लो 5% है, 10% है, तो डब्ल्यू ने डब्ल्यू टू बाई लॉग एन टू बाई एन वन। लॉग है मतलब बेस हमेशा 10 होगा, पता होना चाहिए सब। अब देखो एक होता है टफनेस इंडेक्स, आईटी टफनेस इंडेक्स। टफनेस क्या होता है, आईपी बाई आईएफ, ठीक है। एक हम लोग और देखो यहां पे एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखो हमारा सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें हम लोग जैसे बता रहे हैं कि हम लोग का चलो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स से हम लोग क्या बता पाएंगे। तो देखो इससे हम लोग सॉइल का कंसिस्टेंस, मेरा सॉइल कितना कंसिस्टेंट है वो बता पाएंगे। जैसे मेरा सॉइल लिक्विड में है, प्लास्टिक में है, सेमी सॉलिड में है कि सॉलिड में है, ये हम लोग बता सकते हैं इस चीज से, ठीक है। हम लोग इस चीज से बहुत इजीली बता पाते हैं, और इसका एक टेबल है, तो ये टेबल तो मैं भी ड्रॉ नहीं करूंगा, बट तुम लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक में कहीं पे भी देख लेना, वो टेबल मिल जाएगा जिसमें आईसी और आईएल का वैल्यू गिवन रहेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारा टेबल रहेगा, ठीक है। बस उसमें देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें यही है कि तुम्हारा लिक्विड लिमिट जितना कम होते चलेगा, या लिक्विड लिमिट तुम्हारा जितना बढ़ते जाएगा, लिक्विड लिमिट जितना इंक्रीज होते चले जाएगा, मतलब तुम्हारा सॉइल सॉलिड टू लिक्विड होते चला जाएगा। मतलब अगर लिक्विड लिमिट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा सॉइल जो है वो सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड में। मतलब अगर इसका भी थोड़ा तोड़ दूं तो बस यही समझने वाला है, सॉलिड सेमी सॉलिड प्लास्टिक लिक्विड। देखो वाटर कंटेंट लिक्विडिटी में मतलब क्या, लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है मेरा, तो ये लिक्विड लिमिट मेरा बनेगा मतलब पानी बढ़ रहा है, तो सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या जाएगा लिक्विड, और आईसी बढ़ेगा मतलब, लिखी देता हूं, मतलब आईसी कम। तो आईसी जैसे जैसे कम करते चलोगे मतलब तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड स्टेज में जा रहा है, बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं, बाकी टेबल देख लेना समझ में आ जाएगा। सेंसिटिविटी, अब देखो सेंसिटिविटी क्या बताता है, एसआई से डिनोट करते हैं, ये होता है क्यू यू मेरा अनडिस्टर्ब बाय रिमोल्डेड। मतलब यहां पे हम अगर तुमको समझाएं, अगर समझना चाहो तो देखो इसमें क्या है, मेरा सॉइल है जो अभी उसमें जो स्ट्रेस लग रहा है, या सॉइल मेरा जो है वो मेरा अनडिस्टर्ब है, मतलब उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सॉइल को मैंने निकाला नहीं है, जैसा है वैसा ही है। अब रिमोल्डेड मतलब सॉइल को मैं चेंज कर दिया कुछ, तो वो रिमोल्डेड हो गया, तो वही क्यू यू, या इसको क्यू यू को यूसीएस भी कभी कभी बोल देते हैं, यूसीएस अनडिस्टर्ब बाय यूसीएस रिमोल्डेड, अनडिफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का बात करो या स्ट्रेस की बात करो, क्यों क्या स्ट्रेस समझ लो,
वो स्ट्रेस अनडिस्टर्ब में या वो स्ट्रेस रिमोल्डेड में लगे वो होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का रेंज हम लोग, इसका तो छोटा सा रेंज है, ये तो सबको याद रहनी चाहिए, क्या है, चार चार का डिफरेंस है, 1 to 4, 4 to 8, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है, 8 to 15, ग्रेटर देन 15, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा कि अगर कंसिस्टेंसी, हम लोग कंसिस्टेंसी में ही हम लोग अभी सारा चीज समझ रहे हैं, क्या हमें कंसिस्टेंसी में, तो याद रखना अगर 1 to 4 है मतलब मेरा सॉइल जो है क्या है, नॉर्मल है, सेंसिटिविटी नॉर्मल सेंसिटिविटी है, ये अब सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है, ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, ये SEN लिख रहा हूँ मतलब सेंसिटिव है, और ये क्या है, क्विक है, ये मतलब क्विक पूरा हो गया, फुल सेंसिटिव हो गया, तो यहाँ पे ये। और एक और ये तो हो गया तुम्हारा सेंसिटिविटी का। अब एक और चीज यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखो जैसे QU बोला मैं, क्या होता है QU, QU स्ट्रेंथ ही है, QU क्या है, स्ट्रेंथ ही है, और QU का रिलेशन भी होता है, QU जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ CU, और QU क्या होता है जो मैंने बताया था, क्या बताया था, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव UCS, UCS कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसा जैसा मैं याद करता हूं तुम लोग भी ऐसे ही याद रखो, बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखो CU क्या है, CU है कोहेजन ऑफ प्योर क्ले, मतलब ये कोहेजन का वैल्यू है, मतलब ये भी स्ट्रेंथ ही है, प्योर क्ले का 2 गुना कर दोगे तो वो यूसीएस का बराबर हो जाता है। तो इसमें क्यूयू भी बोल सकते हो, जैसे सेंसिटिविटी को एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं यूसीएस अनडिस्टर्ब बाय यूसीएस रिमोल्डेड। चलो यहां तक तो हम लोग समझ गए, अब एक और चीज यहाँ पे ही समझ लेते हैं, एक चीज है एक्टिविटी करके आती है, एक्टिविटी मेरा सॉइल कितना एक्टिव है, मतलब कितना कॉम्प्रेसिबल है, ज्यादा कॉम्प्रेसिबल मतलब ज्यादा एक्टिविटी, ये जो होता है ये होता है IP बाय परसेंटेज। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, IP तो सबको पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है मेरा IP बाय परसेंटेज ऑफ क्ले वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन, ठीक है। तो परसेंटेज क्ले का वेट, या परसेंटेज वेट भी बोलते हैं, अगर क्ले को हटा भी दिया जाए तो इसमें कोई नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग करते हैं इसके लिए है प्रैक्टिकली, बट अगर ये ना भी हो तो हमको कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल सॉइल के लिए भी एक्टिविटी बता सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग को पता है कि जो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है मतलब क्ले है, क्ले ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है तो हम लोग इसीलिए क्ले के लिए ज्यादा स्टडी करते हैं, बट ये हर सॉइल के लिए एक्टिविटी हम लोग बता सकते हैं। IP बाय परसेंटेज ऑफ वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन से फाइनर जो वेट है वो ले लो, IP से डिवाइड कर दो, कोई भी सॉइल का एक्टिविटी पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज है सर, क्या है, देखो यहाँ पे क्या है एक्टिविटी का, वन सेकेंड, डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं या क्लासिफिकेशन, चलो बोलो क्लासिफिकेशन। देखो इसका भी रेंज है, इसका तो 2 ही 3 रेंज है इसका, ठीक है, और 2 वैल्यू याद रखोगे तो काम चल जाएगा इसका, एक पॉइंट पॉइंट 0.75 याद रखना और एक 1.25 याद रखना, जैसा मैंने याद रखा है सारा बाय 1.25। देखो 0.75 से कम होगा मतलब मेरा इनएक्टिव है सॉइल, निकालने का फॉर्मूला तो बता ही दिया, ये मतलब नॉर्मल है, ना एक्टिव है ना इनएक्टिव है, ये है मतलब भाई साहब इससे भी ज्यादा है, मतलब एक्टिव है, ज्यादा एक्टिविटी है मतलब क्या है, ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, जैसे एग्जाम्पल ले लो जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल ले लो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बट मैं कोई एक ले लेता हूँ, ब्लैक कॉटन सॉइल ले लो, ये क्या होता है, बहुत एक्टिव है ये, वेरी एक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मैं एक्चुअली लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखवाना है, बट हाँ मैं थोड़ा सा प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में आइडिया दे सकता हूँ आप लोग को, किस चीज के बारे में आइडिया दे सकता हूँ, प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में आइडिया दे सकता हूँ। हम लोग डाउनलोड करते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, कर लिए डाउनलोड, चलो देखो इसमें 2 फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ फिर उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखो एक होता है आईपी ऑफ ए लाइन फॉर्मूला, जो क्या होता है सबको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, तो टिप्स पे होना चाहिए। और एक क्या होता है आईपी ऑफ यू लाइन, एक क्या होता है आईपी ऑफ यू लाइन। तो यू लाइन क्या होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 0.9 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस है। देखो इसमें क्या होता है, मेरा तीन कैटेगरी है, एक यहां से है 35 से, इसमें मेंशन नहीं है, थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं, ये 35। तो देखो इसमें जो कैटेगरी है, जो कैटेगराइजेशन है, हम लोग 35 टू 50 और ग्रेटर देन 50 के बीच में स्टडी करते हैं। तो देखो लिक्विड, ये क्या है लिक्विड लिमिट के बीच में, ये क्या है लिक्विड लिमिट, और ये क्या है मेरा प्लास्टिसिटी आईपी, इसको क्या बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, ये क्या है ए लाइन है, एक और होगा यू लाइन, ठीक है वो ड्रॉ नहीं है कोई बात नहीं। 50 से ज्यादा है मेरा अगर लिक्विड लिमिट तो मेरा क्या हो जाएगा हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये कौन सा हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल, और ये क्या है लो कॉम्प्रेसिबल जोन। और ये जो है मेरा, ये हमेशा याद रखना, ये 4 है, ये जो वैल्यू है इसमें गिवन नहीं है 4 है, ये वैल्यू 7 है। ये मैंने नॉर्मल थोड़ा दे दिया हिंट, बट इसको हम लोग बहुत डिटेल में मैं आगे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है। पहले इसमें फाइन ग्रेन, पहले हम लोग इसमें क्लासिफाई करते हैं कि मेरा सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन है कि कोर्स ग्रेन है। अगर कोर्स ग्रेन है तो उसका भी 2 केस है, एक्चुअली ऑब्वियसली बोलूं तो 3 केस है, जैसे 2 में खत्म हो जाता है, बट अगर टोटल डिवाइड करूं तो 3 केस है, फाइन ग्रेन का 2 केस है, तो टोटल 5 केस बनते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। चलो अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहां पे बता देता हूं, देखो क्ले का जो मिनरल है, क्ले मिनरल है, जैसे क्या होता है क्ले मिनरल, मतलब सॉइल में जो क्ले मिनरल होता है, जैसे एक हम लोग बोलते हैं क्या क्योलिनाइट मिनरल, क्योलिनाइट मिनरल, ठीक है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और इसका जो एग्जाम्पल है बहुत नाम सुने होंगे तुम लोग, चाइना क्ले, ठीक है। दूसरा है जो हम लोग समझते हैं इलाइट मिनरल, क्या है इलाइट मिनरल, इसको जो हम लोग इसमें कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, इसमें जो हम लोग का बोन प्रेजेंट होता है वो होता है आयोनिक बोन, क्या होता है इसमें आयोनिक बॉन्ड। और इसका जो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो तुम कोई भी ले सकते हो उसमें, कोई भी नॉर्मल सॉइल, जैसे ये क्ले है ना, इधर प्रॉपर क्ले का बता दिया, बट चलो इसमें एक चीज बता दूं। देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक आयोनिक बॉन्ड को पोटेशियम बॉन्ड भी बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड को क्या एक और नाम है इसका पोटेशियम बॉन्ड, पोटाशियम बॉन्ड। एक होता है वाटर बॉन्ड, ये इंटरमीडिएट होता है, आयनिक है ये वाटर बॉन्ड का और हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरमीडिएट, क्या है इलाइट, क्या है ये नॉर्मल, इसका कोई एग्जांपल ऐसा है सुपीरियर नहीं है, कुछ भी गूगल करके देख सकते हो, बट ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं निकल के आता है, नॉर्मल टाइप का है ये। एक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्ट मोरिलोनाइट, 2:1 मिनरल होता है इसमें। अब क्या है ये उतना अभी ये क्योलिनाइट 1:1, इलाइट 2:1, बट ठीक है उतना अभी इसमें नीड नहीं है। तो ये इसको अगर ना भी करो, ज्यादा डाटा दिमाग में रख के भी फालतू ही होता है, देखो डाटा उतना ही माइंड में रखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मेरा एग्जाम में काम आए। ये मेरा सबसे वीक बॉन्ड है, ठीक है, सबसे वीक बॉन्ड, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे बेंटोनाइट सॉइल, सॉइल तो पता ही होगा सबको, फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है, चलो वो तो बेसिक है पता होना चाहिए।
देखो क्ले मिनरोलॉजी में क्या क्या होता है, क्यूलिनाइट मिनरल होता है, इलाइट मिनरल होता है, मोंटमोरिलाइट मिनरल होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या जो हम लोग इंपॉर्टेंट है जो समझते हैं, इसमें बोंड वगैरह पता होना चाहिए, कौन सा बोंड है, राइट, कौन सा बोंड है। तो अगर इतना पता हो जाए तो फिर बहुत इजीली हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग सब कुछ को स्टडी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तक मैंने जो अभी तक बताया है, ये मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बताया है, एकदम बेसिक जो पता होनी ही चाहिए। क्या क्या हम लोग डिस्कशन किए जैसे एक बार अगर देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये जो बेसिक है, W क्या है, E क्या है, N क्या है, S है, AC है, S+AC1 है, परसेंटेज N है, यूनिट वेट क्या क्या है ये पता होनी चाहिए मेरा, किसका यूनिट वेट ज्यादा कम बेसी है ये पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ट्रू और मास में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए, किसका ज्यादा है, रेंज क्या है पता होनी चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्यूबिकल और ये पता होना चाहिए, डिग्री रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ये गामा डैश गामा सेट ये सब तो बेसिक है पता होनी ही चाहिए, वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए, ओबेंडर मेथड है, पिकनोमीटर मेथड, मैं एक बार लास्ट डिवाइड करवा रहा हूँ, पिकनोमीटर मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, उसके बाद तुम्हारा इनसीटू यूनिट वेट का अगर हमको करना है कैलकुलेट, तो उसके लिए मेथड क्या क्या है साइड पे, कोर कटर मेथड करते हैं, सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड करते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड करते हैं, उसके बाद तुम्हारा ग्रेन साइज पता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है ये क्या होता है, और बहुत सारा अगर सॉइल मेरा बहुत छोटा छोटा हो जाए मतलब उसका पार्टिकल साइज, तो ये करते हैं जिसमें क्यूपेट और हाइड्रोमीटर मेथड आता है, उसके बाद तुम्हारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस का फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाय 18 μ, कंसिस्टेंसी कर्व पता होनी चाहिए, सिंकेज लिमिट का फॉर्मूला, सिंकेज रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज पता होनी चाहिए, उसके बाद IF, IT, सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, उसके बाद मेरा सेंसिटिविटी एक्टिविटी यहाँ तक पता होनी चाहिए, उसके बाद मेरा प्लास्टिसिटी चार्ज तो मैंने बेसिक बताया है, बट ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट, मतलब जब भी मैं फर्दर लास्ट में डील करूंगा तो एक दिन पूरा अच्छे से बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल के नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस। अब देखो क्ले मिनरोलॉजी में हम लोग बेसिक डिस्कस कर लिए, केलिनाइट इलाइट मोंटमोरिलाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, केलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चाइना के लिए जिसको होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इलाइट में आयनिक बॉन्ड या पोटासियम बॉन्ड होता है, ये क्या इंटरमीडिएट है जो बताया था मैंने, केलिनाइट और मोंटमोरिलाइट का मतलब बीच का है ये, और सबसे वीक बॉन्ड होता है वाटर बॉन्ड होता है, जो क्या होता है वाटर, जैसे एग्जाम्पल क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल या मेंटोनाइट सॉइल, ये क्या होता है कॉम्प्रेसिबल होता है, कॉम्प्रेसिबल सॉइल होता है मतलब ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हो, जैसे क्ले है तो क्ले ही का पार्ट, बट मैं अगर नॉर्मल क्लासिफिकेशन बताऊं क्ले और सैंड में किस कौन ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, सैंड की क्ले, तो क्ले ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। चलो तो ये वाली चीज हो गई, तो चलो देखें, चलो तो एक चीज करेंगे आज हम लोग, ज्यादा नहीं आज के क्लास में हम लोग यही तक ही डिस्कशन रखते हैं, कल के क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे परमिबिलिटी से, परमिबिलिटी खत्म कर देंगे, बताऊंगा इफेक्टिव स्ट्रेस, बताऊंगा क्विकसैंड कंडीशन, बताऊंगा उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊंगा तुम्हारा कॉम्पैक्शन में, कॉम्पैक्शन बताऊंगा, कंसोलिडेशन बताऊंगा, शियर स्ट्रेंथ बताऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सारा चीज कल 2 से 3-4 घंटे का भी क्लास हो सकता है, उसमें मैं पूरा सॉइल कंप्लीट करूंगा कल के क्लास में। सो टुमारो क्लास होल सॉइल आई विल कंप्लीट, और ये मेरा रिवीजन सीरीज स्टार्ट है डे वन से, सारा सब्जेक्ट मैं ऐसे ही खत्म करते चलूंगा। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ऐसे करके ही हम लोग को पढ़ते रहना है, याद करते रहना है।